ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद तेज हो चुकी है और प्रदेश के तीन वरिष्ठ मंत्रियों के इस्तीफों के साथ ही पुनर्गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन सीएम आवास पहुंच चुके हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं और कल देर रात तक भी गहलोत माकन का मंथन चल रहा था। अजय माकन के बीच में जो मुलाकात चल रही थी वो खत्म होने की खबर सामने आई है। वो मंथन जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है। सुशांत बारिक हमारे साथ ब्यूरो चीफ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुशांत, बैठक खत्म हो चुकी है और अब क्या कुछ अपडेट? देखिए, वो बैठक खत्म हो गई है और उस बैठक में कुछ नाम ऐसे थे जिनको लेकर चर्चा की जानी थी, उन पर बात हो गई और एक फाइनल टॉक जिसको हम कहें, और जो सूत्र बता रहे हैं कि कल शाम को राजभवन में 4 बजे जो है शपथ दिलाई जा सकती है मंत्रिमंडल पुनर्गठन की। हमारे साथ अभी वरिष्ठ मंत्री बीडी कल्ला साहब हैं। कल्ला साहब, कई तरह की खबरें, कई तरह की चर्चाएं आ रही हैं, एक नया चेहरा, नया आकार मंत्रिमंडल का होगा, किस तरह की जानकारी आपके पास है? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मंत्रिमंडल का गठन ये सारा का सारा जिम्मेवारी मानी मुख्यमंत्री जी की है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि मंत्रिमंडल में किसको क्या विभाग दे, किसको मंत्री बनाए, इसलिए इसमें मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मिशन 2023 के तहत एक जरूरी है सर्जरी होना, ताकि नए चेहरों को मौका मिल सके, युवा टीम को मौका मिल सके और जो एक पार्टी में दो कैंप बने हुए हैं उनकी दूरियां भी खत्म की जा सके। हमारे यहाँ कोई कैंप नहीं है और आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो बराबर सभी को समन्वय के साथ राजस्थान में काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, अगर बीकानेर संभाग की बात करें, कुछ और नए चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं? मैंने कहा इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, वो जानकारी किसी के पास नहीं है, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी इसके संबंध में बता सकते हैं। लेकिन तीन मंत्रियों के इस्तीफे सर संगठन के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की, एक अच्छा मूव कहें इसे कि संगठन को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। वो तो सबको भिज्ञ है कि उन्होंने एक तरीके से जिस सबके सामने आया है कि वो संगठन में काम करना चाहते हैं, इसके बारे में कोई टिप्पणी करनी उचित नहीं है। बिल्कुल, कल्ला साहब वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री हैं, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं अभी और कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का ये राइट है, अशोक गहलोत तय करेंगे कि मंत्रिमंडल की तारीख क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो, उसका चेहरा क्या हो, आकार क्या हो, अभी बहुत ज़्यादा इस विषय पर बीडी कल्ला नहीं बोलना चाहते। सुशांत, जो शाम को 5 बजे मंत्री